So in this video, we will discuss compulsory licensing. So India adopted the colonial patent protection regime, that is Indian Patents and Design Act 1911. However, in 1959, a committee chaired under the N. Rajagopala Iyengar, objected the regime on ethical grounds. इंडिया अडॉप्टेड अ न्यू पेटेंट्स एक्ट इन 1970. तो नया जो पेटेंट एक्ट इंडिया ने अडॉप्ट किया था वो किया था 1970 में, एंड दिस लेड टू द राइज इन जेनेरिक मेडिसिन प्रोडक्शन इन इंडिया. तो ये जो हमारा जो पेटेंट एक्ट ऑफ 1970 था, इसकी वजह से इंडिया में जेनेरिक मेडिसिन का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ. इंडिया इज नाउ द लार्जेस्ट जेनेरिक मेडिसिन प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड. इंडियाज एफर्ट्स ऑन HIV एंड कैंसर ड्रग्स आर वेल अप्रिशिएटेड. नाउ before going into details of compulsory licensing, let's see what is a generic drug. See, a generic drug is a medication created to be the same as an already marketed brand name. theek hai, brand name drug in doses form, safety, strength, route of administration, quality, performance characteristics and intended use. ye jo ek branded drug hota hai, theek hai, aur uske jo bhi uses, quality, strength, jo bhi usme safety matlab issues hote hain, un sab ko dhyan mein rakhte hue jo wo branded drug hota hai, similar way mein hi ek generic drug hota hai, but wo us brand name ke andar nahi hota hai. these similarities help to demonstrate bioequivalence, which means that a generic medicine works in the same way and provides the same clinical benefit as the brand name medicine. सेम तरीके से काम करती है जैसे वो ब्रांड वाला ड्रग काम करता है, एंड वही सेम क्लिनिकल बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है. ओके, इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हो कि जेनेरिक मेडिसिन एज एन इक्वल सब्सटीट्यूट फॉर इट्स ब्रांड नेम काउंटर पार्ट. ठीक है, तो जो ब्रांड नेम है उसका काउंटर पार्ट है, मतलब एक सब्सटीट्यूट काइंड ऑफ है जो कि चीप है. ठीक है, तो ये है जेनेरिक ड्रग. अब सी हम बात करते हैं कंपलसरी लाइसेंसिंग की, विच इज़ अ काइंड ऑफ वेवर. ठीक है, सो अ कंपलसरी लाइसेंस इज अ लाइसेंस और ऑथराइजेशन इशूड बाय द गवर्नमेंट टू एन एप्लीकेंट फॉर मेकिंग, यूजिंग एंड सेलिंग अ पेटेंटेड प्रोडक्ट और एम्प्लॉइंग अ पेटेंटेड प्रोसेस विदाउट द कंसेंट ऑफ द पेटेंटी. मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि प्रोडक्ट की भी पेटेंटिंग हो सकती है, प्रोसेस की भी पेटेंटिंग हो सकती है. ओके, सो राइट नाउ इशू क्या है यहाँ पे कि कंपलसरी लाइसेंसिंग एक ऐसा मतलब लाइसेंस है या ऑथराइजेशन है जो कि गवर्नमेंट किसी एप्लीकेंट को देती है. ठीक है, सपोज एक कंपनी है जो कि ये चाहती है कि भाई मार्केट में एक एंटी कैंसर ड्रग है, तो मैं वो एक ब्रांडेड ड्रग है, तो मैं वो एक कंपनी ये चाहती है कि वो उस ड्रग जैसा सिमिलर प्रोडक्ट बना पाए बट चीपर वर्जन में, सो दैट ज़्यादा लोगों को अवेलेबिलिटी हो उसकी. तो वो जो है एप्लीकेशन लगाएगी गवर्नमेंट को. ठीक है, तो हमेशा जो कंपलसरी लाइसेंसिंग है वो किसी ने जो एप्लीकेशन लगाई है एप्लीकेंट ने उसके बिहाफ पे होती है. तो गवर्नमेंट टू एन एप्लीकेंट फॉर मेकिंग, यूजिंग एंड सेलिंग अ पेटेंटेड प्रोडक्ट. हमेशा एक्चुअली ऐसा नहीं है कि एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम एप्लीकेशंस ही लगाई जाती हैं. ठीक है, ओके. एंड एक चीज़ इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है वो ये है कि इसमें जो पेटेंटी है, मतलब एक्चुअली में जिसके पास में वो ब्रांडेड ड्रग का लाइसेंस है, पेटेंट है, उसके कंसेंट के बिना होता है ये सारा काम. ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था पेटेंट जो भी दिया जाता है किसी को वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए दिया जाता है. सपोज़ करिए वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड ओवर नहीं हुआ है लेकिन हम जेनेरिक ड्रग बनाना चाहते हैं क्योंकि ज़रूरत है, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक ज़रूरत है. ठीक है, तो इस वजह से अभी टाइम पीरियड तो ओवर नहीं हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है हम उस पेटेंटी का कोई कंसेंट नहीं लेना चाहते हैं और प्रोड्यूस भी करना चाहते हैं, तब कंपलसरी लाइसेंसिंग को इन्वोक किया जाता है. तो चैप्टर 16 ऑफ द इंडियन पेटेंट्स एक्ट 1970 एंड द अग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. इंडिया का जो पेटेंट एक्ट है 1970 का और जो ट्रिप्स है WTO का, इन दोनों में ही कंपलसरी लाइसेंसिंग के बारे में डिस्कस किया गया है. द एप्लीकेशन फॉर कंपलसरी लाइसेंसिंग कैन बी मेड एनी टाइम आफ्टर 3 ईयर्स फ्रॉम डेट ऑफ सीलिंग ऑफ अ पेटेंट. जैसे कि किसी कंपनी ने अगर पेटेंट ले लिया है किसी प्रोडक्ट पे, तो उसके 3 साल के बाद ही ये कभी भी को एप्लीकेशन डाली जा सकती है कंपलसरी लाइसेंसिंग के लिए. कुछ कंडीशंस होती हैं जो एप्लीकेंट को फुलफिल करनी होती हैं, जैसे कि भाई रीजनेबल रिक्वायरमेंट है,
पब्लिक की विद रिस्पेक्ट टू द पेटेंटेड इन्वेंशन, ठीक हैव नॉट बीन सेटिस्फाइड, कि भाई रिक्वायरमेंट है पब्लिक की और जो भी पेटेंटेड प्रोडक्ट है वो उस रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, ठीक है. पेटेंटेड इन्वेंशन पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है रीजनेबल अफोर्डेबल प्राइसेस में, इसलिए हम चाहते हैं कि जेनेरिक जो है ड्रग्स बननी शुरू हो जाए. पेटेंटेड इन्वेंशन जो है वो इंडिया में इज़ नॉट यूज्ड इन इंडिया, ठीक है. कि इंडिया में वो जो भी पेटेंटेड इन्वेंशन है वो यूज़ नहीं होता है, ठीक है. जैसे कि अभी ये जो भी वेस्टर्न वर्ल्ड की वैक्सीन्स हैं, फाइज़र है, मॉडर्ना है, इन सब के लिए भाई फाइज़र और मॉडर्ना तो इंडिया में यूज़ नहीं हो रही है, तो इंडियन कंपनी पेटेंट डाल सकती है कि हमें कंपलसरी लाइसेंसिंग चाहिए इनको बनाने के लिए फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द लार्जर पब्लिक, क्योंकि रीजनेबल अफोर्डेबल प्राइसेज में भी नहीं है, शॉर्टेज भी है, ठीक है. तो इन सब के बेसिस पे सो ये है कंपलसरी लाइसेंसिंग. एडिशनली इसी एक्ट में जो इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 है, इसमें एक सेक्शन है जो ये कहता है कि कंपलसरी लाइसेंसिंग कैन ऑल्सो बी इशूड सुओ मोटो. ये मैंने आपको बताया, एप्लीकेशन अगर कोई फाइल करता है तब भी गवर्नमेंट इन्वोक कर सकती है, गवर्नमेंट सुओ मोटो भी इन्वोक कर सकती है. कौन कर सकता है? बाय द कंट्रोलर ऑफ पेटेंट्स. ये प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन इन्वोक कर सकता है, कैसे इन्वोक हो सकता है, ये दोनों चीज़ें. बाय द कंट्रोलर ऑफ पेटेंट्स परसुएंट टू अ नोटिफिकेशन इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन इशू करेगी उसके बाद में कि इफ देर इज आइदर अ नेशनल इमरजेंसी और एक्सट्रीम अर्जेंसी और इन केसेस ऑफ पब्लिक लेकिन नॉन कमर्शियल यूज़, ठीक है. नाउ व्हेन वाज द फर्स्ट लाइसेंस इशूड, क्या ऐसा पहले कभी कंपलसरी लाइसेंसिंग के रिगार्डिंग कुछ इन्वोक हुआ है? तो इंडिया ने पहला जो कंपलसरी लाइसेंसिंग ग्रांट किया था, तो इंडियाज फर्स्ट एवर कंपलसरी लाइसेंसिंग वाज ग्रांटेड बाय द पेटेंट ऑफिस ऑन March 9, 2012 टू हैदराबाद बेस्ड नेटको फार्मा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ जेनेरिक वर्जन ऑफ बेयर्स नेक्सावियर. ये एक एंटी कैंसर एजेंट था दैट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ लिवर एंड किडनी कैंसर. तो ये नेटको फार्मा एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, तो इनको ये मतलब मिल गया था अथॉरिटी कि ये इस जो ये बेयर्स का नेक्सावियर जो एंटी कैंसर ड्रग था इसका जेनेरिक वर्जन बना सकते हैं. एक हमें ध्यान में रखना है वाई नेटको फार्मा इज़ इन न्यूज़ अगेन, क्योंकि नेटको फार्मा ने एप्लीकेशन फाइल करी है सीकिंग कंपलसरी लाइसेंस फॉर कोविड ड्रग बैरसिटिनम, ठीक है. बैरीसिटिनिप ये कोविड ड्रग है, इसको बनाने के लिए नेटको फार्मा ने कंपलसरी लाइसेंसिंग की एप्लीकेशन फाइल करी है, ठीक है. तो आई थिंक वी गॉट द आइडिया व्हाट इज़ कंपलसरी लाइसेंसिंग, बट ग्लोबल पर्सपेक्टिव क्या है कंपलसरी लाइसेंसिंग के रिगार्डिंग. ऑब्वियसली बात है वेस्टर्न कंट्रीज़ नहीं इसको पसंद करती होंगी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द रिसर्च एंड मोस्ट ऑफ दीज सच काइंड ऑफ पेटेंटेड ड्रग्स कम फ्रॉम द वेस्टर्न वर्ल्ड, राइट. सो दिस फिनोमेना ऑफ कंपलसरी लाइसेंसिंग इज़ अ ह्यूजली डिबेटेड इशू. मेनी डेवलपिंग कंट्रीज आर गिविंग इंपॉर्टेंस टू दिस कंपलसरी लाइसेंसिंग बिकॉज ऑफ द अनअवेलेबिलिटी एंड अनअफोर्डेबिलिटी ऑफ द मेडिसिन एंड दे आर कॉन्टिन्यूसली ग्रांटिंग मोर एंड मोर कंपलसरी लाइसेंसेज. ऑब्वियसली डेवलपिंग वर्ल्ड इसकी ज़्यादा डिमांड करेगा क्योंकि मेडिसिन या तो अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल है तो अफोर्डेबल नहीं है, ठीक है. क्योंकि जो पेटेंटेड ड्रग्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी बिकती हैं मार्केट में. बट जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जैसे यूरोप है, यूएस है, दे आर अपोजिंग दिस व्यू एज इट वुड मेक इनोवेशन डिफिकल्ट फॉर द फार्मास्यूटिकल कंपनीज. एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन द प्रीवियस वीडियो दैट पेटेंट इज अ काइंड ऑफ एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हमें ज़रूरत पड़ती है क्यों? इनोवेशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए. इवन अभी जो यूएस ने बोला है कि ओके फाइन, हम ये देखेंगे कि जो पेटेंट्स हैं उसको स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए वेव ऑफ किया जाए. कैनेडा भी इसको सपोर्ट करता है, बट कंट्रीज़ लाइक जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, इवन यूके, ठीक है, वो अभी ऑन बोर्ड नहीं है कि पेटेंट्स को स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए भी हटाना चाहिए, बिकॉज दे आर सेइंग कि इट विल इफेक्ट द इनोवेशन, राइट. जो भी कंपनीज़ अपना इनोवेशन करके जिन्होंने ये वैक्सीन बनाए हैं, ड्रग्स बनाए हैं, उनका ये सब इफेक्ट होगा. हाउएवर इंडिया का और साउथ अफ्रीका का कंट्री कहना ये है कि हम सिर्फ एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए आपसे छूट जाते हैं, नॉट फॉर द लाइक परमानेंट टाइम पीरियड और फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड टिल द सफिशियंट नंबर ऑफ पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड गेट्स वैक्सीनेटेड. सो ये इंडिया का स्टैंड है. सो दिस इज ऑल अबाउट कंपलसरी लाइसेंसिंग एंड थैंक यू.